तो हेलो गुरु, करते हैं वीडियो शुरू। तो यहाँ पे हमारे पास है स्प्लेंडर प्लस और ग्लैमर, तो दोनों बाइक का प्राइस जो है थोड़ा सा अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको ये बाइक में मोटा पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो इसका जो प्राइस होने वाला है, स्प्लेंडर प्लस का जो प्राइस है, सिर्फ ओनली 1,000 रुपये दे के आप इसे खरीद सकते हो, और ग्लैमर 1,12,000 रुपये के जैसे मिल जाएगा। तो ये है दोनों बाइक का प्राइस। तो थोड़ा सा कम बेसी आपको देखने के लिए मिलेगा पैसा। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देते हो तो आपको ग्लैमर लेना चाहिए। इसमें आपको फीचर्स बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है, और इसका जो डिज़ाइन और लुक है काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है देखने के लिए। अगर आप स्प्लेंडर प्लस ही पसंद करते हो तो आपको यहाँ पे एसटेक भी देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको फीचर्स बहुत ही ज़बरदस्त अभी से मिलने वाला है। और इसमें क्या फ़ायदा है वो दिखाते हैं। इसमें पूरा का पूरा जो मीटर है, फुल डिजिटल कंसोल मीटर हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है देखने के लिए। E20 का अपडेट मिल रहा है, 8 से 9 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको मिल जाएगा, और इसका जो माइलेज है 60 से 70 का भी माइलेज ये बाइक आप लोगों के लिए निकाल देगा। तो ये है फायदा आपके लिए स्प्लेंडर प्लस लेने से। अगर आप इसका टैंकी फुल करते हो तो 10 से 15 दिन आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आराम से आप लोग चला सकते हो, इतना ज़्यादा इसका माइलेज है। और ग्लैमर का माइलेज कितना है, तो इसमें पेट्रोल आता है 12 से 13 लीटर का, और इसका माइलेज जो है 60 से 65 देखने के लिए मिलेगा। लोकल चलाने के लिए एक ज़बरदस्त बाइक आप इसे बोल सकते हो, और कंपनी ने इसमें बढ़िया बदलाव भी कर दिया है। अभी से आपको पूरा का पूरा LED लाइट का सेटअप मिलने वाला है, प्लस यहाँ पे आपको जो है बड़ा सा वाइजर मिलने वाला है, और जो इसका इंडिकेटर है ये आपको बोल्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, और स्प्लेंडर प्लस भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे अच्छा सा ग्राफिक आपको मिल जाएगा सिल्वर कलर का, हेडलाइट हेलोजिन वाला मिलने वाला है, छोटा सा DRL का लाइट मिल जाएगा, इंडिकेटर यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल मिलने वाला है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन चोकर मिल जाएगा, और यहाँ पे एक तगड़ा टायर आपको मिल रहा है MRF का, वो भी ट्यूबलेस टायर। इसमें 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको देखने के लिए मिलेगा आगे पीछे दोनों में, और कॉम्बो ब्रेक आपको ये बाइक में देखने के लिए मिल जाएगा। और ग्लैमर में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, और इसमें भी आपको कॉम्बो ब्रेक देखने के लिए मिलेगा। अगर आप पीछे वाले यूज करते हो आगे वाला भी लग जाएगा, ये फायदा आपको ये बाइक में भी मिलने वाला है। और कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, तो यहाँ पे आप इंजन ऑयल कितना है वो भी चेक कर सकते हो। तो ये फायदा आपको यही बाइक में मिलेगा। ये 2024 का लेटेस्ट मॉडल है। तो पीछे से इसका लुक आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे बड़ा सा ग्रेविल आपको मिल जाएगा जो पूरा का पूरा लोहा का होने वाला है, काफ़ी मजबूत यहाँ पे कंपनी ने लोहा दिया हुआ है। प्लस यहाँ पे बैकलाइट में आपको बल्ब देखने के लिए मिलेगा, इंडिकेटर फ्लेक्सिबल मिलने वाला है, सारी गार्ड मिलने वाला है, और इसका जो फुटरेस है ये रबर का पूरा रबर का आपको मिल जाएगा, और काफ़ी मजबूत रबर यहाँ पे यूज किया हुआ है। प्लस इसका लुक आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा पूरा का पूरा। यहाँ पे छोटा सा ग्रेविल आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो है बैक लाइट में बल्ब देखने के लिए मिलेगा, इंडिकेटर में यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन मिल जाएगा, और शॉर्ट में इसका जो है मोड गार्ड आपको मिल जाएगा वो भी प्लास्टिक का, और हेगर गार्ड भी आ चुका है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पीछे में 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको मिलने वाला है, पीछे का सोकर आप इसमें दोनों बाइक में 5-5 घाट एडजस्ट कर सकते हो, ये फायदा है। ग्लैमर में भी आपको सारी गार्ड मिल जाएगा, फुटरेस जो है रबड़ वाला मिल जाएगा, 5 गियर ग्लैमर में मिल रहा है, और स्प्लेंडर प्लस में आपको 4 गियर देखने के लिए मिलेगा। दोनों का इंजन जो है एयरकूल इंजन आपको देखने के लिए मिलेगा, सिंगल सिलेंडर वाला 2 वेल्व देखने के लिए मिलेगा, पावर के मामले में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पे आपको जो है मोबाइल चार्ज करने का सुविधा दोनों बाइक में मिल जाएगा, फुल डिजिटल कंसोल मीटर मिल रहा है, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, किसी का फ़ोन या मैसेज आता है वो भी यहाँ पे दिखाएगा। तो ये फायदा है ये बाइक लेने से। तो प्राइस आप लोगों को बता दिए, फीचर्स आप लोगों को बता दिए, बाइक आप लोग देख लीजिए कैसा है। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।